आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में आया तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान, टीम इंडिया ने ऐसे जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और उनके साथ तिलक वर्मा की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में आयरलैंड की टीम को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ऐतिहासिक रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, तो उनके साथ थे एंड्रयू बलबर्ने। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले ओवर से ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक खेल दिखाया। पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली, लेकिन पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतक की साझेदारी हुई, जिसमें पॉल स्टर्लिंग के बल्ले से शानदार अर्धशतक भी देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस पार्टनरशिप के चलते दोनों ने शानदार अर्धशतक भी जमाए, लेकिन इसके बाद भी शानदार व आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा पॉल स्टर्लिंग का। हालांकि एंड्रयू बलबर्ने के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता जरूर मिली थी, लेकिन इसी बीच पॉल स्टर्लिंग के बल्ले से 7 बड़े छक्के इस मुकाबले में देखने को मिले और उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन उनके आउट होने के बाद ट्रैक्टर ने टक्कर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम। आयरलैंड की टीम की बात करें तो इन्होंने भारतीय टीम के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। दोनों बल्लेबाजों से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ही ओवर में एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिडविकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़। तो वहीं पर इसके बाद एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार फुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 51 रनों तक लेकर गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का रखते हुए इस मुकाबले का अपना पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एक और कवर ड्राइव 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर लगाया और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना विकेट गंवा बैठे। इस बार सीधे फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और 35 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो 10 ओवर में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 90 रन बना लिए। इसी दौरान दोस्तों, तिलक वर्मा के बल्ले से एक कमाल का छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला, जिसमें उन्होंने गेंद को सीधे स्लोंगोन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा बाउंड्री लाइन के पार। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक रचनात्मक पेडल स्वीप शॉट भी देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका थर्डमैन की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी की यह पारी कमाल की रही, जहां पर भारतीय टीम के स्कोर को तो तेजी से आगे बढ़ाया, साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद तो उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्गोन के ऊपर से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन तिलक वर्मा, जो कि काफ़ी देर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने भी एक शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों, अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों की तरफ पहुंच गया था और धीरे धीरे अब तिलक वर्मा भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि यशस्वी जायसवाल तो कमाल की बल्लेबाजी कर ही रहे थे। लेकिन तभी एक और गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला तिलक के बल्ले से और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 151 रन हो चुका था।
यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब 70 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। तभी दोस्तों तिलक वर्मा जो कि अपने अर्धशतक से मात्र 10 रन दूर थे, उन्होंने एक शानदार चौका अपर कट के जरिए खेला और इस गेंद को 4 रनों के लिए भेजने में कामयाब हुए। इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला। हालांकि इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने भी एक बेहतरीन छक्का जड़ा, जहाँ पर गेंद को वो बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। यशस्वी के इस शानदार छक्के के बाद यहाँ पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बेहतरीन चौके के साथ तिलक वर्मा भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। उनके बल्ले से यह कमाल का शॉट निकला था जो कि सीधे बाउंड्री लाइन के पार गया। तिलक वर्मा ने अपनी शानदार फॉर्म यहां पर भी जारी रखी और एक शानदार अर्धशतक 33 गेंदों पर पूरा कर लिया। भारतीय टीम के लिए इनका अर्धशतक काफ़ी जरूरी था और बेहतरीन अर्धशतक भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 76 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार जोसवा लिटिल की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का मिडविकेट के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले में संजू सैमसन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने डीप मिडविकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की ही जरूरत थी 2 ओवर में, यानी कि मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका था। तभी यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इस मुकाबले को फिनिश करने की बारी आई तिलक वर्मा की, जब उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैक अदेर के शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलते हुए लगाया और इस लक्ष्य को टीम इंडिया ने 10 गेंदें शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया। आयरलैंड की टीम का परफॉर्मेंस बल्ले से कमाल का रहा, लेकिन गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनके गेंदबाज कमाल नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।